अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, आप में से बहुत से ट्रेडर्स ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एसएमसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काम नहीं करती। वो ऐसा क्यों समझते हैं? वो इसलिए समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली ज़्यादातर फंडामेंटल रीजंस की बुनियाद पे चल रही होती है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फंडामेंटल्स जो है वो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया पे इम्पैक्ट ज़रूर होते हैं, बट आपको एसएमसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी में पेयर्स में ट्रेड जरूर मिलती है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, मैंने आप लोगों के लिए कार्डानो एडीए यूएसडीटी का पेयर सेलेक्ट करके रखा हुआ है। बाइनेंस एक्सचेंज का ये पेयर है। आप लोगों को मैं दिखाता चलूं कि देखिए, मैंने आप लोगों का कीमती वक्त बचाने के लिए, वीडियो को छोटे से छोटा रखने के लिए, मैंने एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग आप लोगों के लिए करके ऑलरेडी रखी हुई है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने ये स्ट्रक्चर मैपिंग की है। देखें, करीब तरीन हाई हमारे पास ये है और करीब तरीन लो हमारे पास ये है, जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। ठीक है, इसके बाद प्राइस ने ये हाई लगाया और ये लो लगाया। क्यों लगाया, अभी हम आपके साथ छोटा छोटा सा डिस्कस करते हैं। ओब्वियसली एक डिटेल में डिस्कशन नहीं की जा सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। ठीक है, आप ये देखें कि प्राइस ने जब ये लो लगाया तो इसकी करीब तरीन इंड्यूसमेंट, मैंने इसे लो क्यों माना, क्योंकि प्राइस की ये करीब तरीन इंड्यूसमेंट लेवल था जो कि प्राइस ने यहाँ पर ले लिया। जैसे ही प्राइस ने अपना करीब तरीन इंटरनल हाई जो है वो स्वीप किया या उसके ऊपर क्लोजिंग थी, तो मैंने अपने लिए लो फाइनल कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर ट्रेड लेने की ऑप्शंस क्या होती हैं, आपको पता है, तीन चार ऑप्शंस होती हैं। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है वो आपको पता है कि वो ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। आप यहाँ पर देखें, प्राइस इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जो इंड्यूसमेंट से ऊपर, आपका ये पहला ऑर्डर ब्लॉक है जो अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ था। इससे ऊपर तो इनफैक्ट हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं। तो ये जो इकलौता ऑर्डर ब्लॉक था, ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो ये समझते हैं कि एसएमसी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में काम नहीं करती, बिल्कुल काम करती है और ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। देखें, ये जो इकलौता ऑर्डर ब्लॉक था, उसी ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने रिस्पेक्ट दी, ना सिर्फ रिस्पेक्ट दी बल्कि नया लो लगा दिया। यार, इस लो के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दे दी। ठीक है, एक इकलौते ऑर्डर ब्लॉक ने, तो आप देख सकते हैं कि यार प्राइस बिल्कुल एसएमसी के मुताबिक चल रही है। यहाँ पर जब प्राइस ने नया लो लगाया, अब इसके बीच में पूरी एक स्टोरी है, जाहिर है उसको समझाना इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल है, फिर किसी दिन कोई वीडियो बनाऊंगा। तो ये हमारे लिए इंड्यूसमेंट थी। ठीक है, इस लो से करीब तरीन ये पुल बैक था हमारा, जो इंटरनल लो भी जिसे मैं कहा करता हूँ या इंटरनल हाई, तो प्राइस ने उसको स्वीप कर लिया। जैसे स्वीप किया तो हमारे लिए ये लो जो है वो फाइनल हो गया। इस इंड्यूसमेंट से ऊपर हमारे पास कौन सा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है? तो हमारे लिए अनमिटिगेटेड जो पूरा ऑर्डर फ्लो है, आपको पता है, अगर आप लोगों ने मेरा एसएमसी का कोर्स कर रखा है तो आप लोगों को पता है कि प्राइस सबसे पहले इंपॉर्टेंस देती है अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो को। तो अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, जिसको मैं यूएफ कहता हूँ, वहां पर जब प्राइस आती है तो आपको उसके अंदर अपने टाइम फ्रेम में जाके एंट्री रीजन फाइंड करनी चाहिए। तो आप ये देखें कि प्राइस ने यहाँ से फिर आपको एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी दी। प्राइस का ट्रेंड भी डाउन था और प्राइस अपने लेवल्स से, जो कि एसएमसी के लेवल्स हैं, प्राइस वहीं से रिएक्ट कर रही है और आपको एक बेहतरीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे रही है। उसके बाद ये पूरी स्टोरी गुजारने के बाद प्राइस ने फिर यहाँ पर अपना लो लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि हमारा जो इंड्यूसमेंट लेवल था वो ये वाला पॉइंट था। आप लोगों को पता है, जिन लोगों को एसएमसी का पता है उनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये इंड्यूसमेंट लेवल था, प्राइस ने इंड्यूसमेंट लेवल लेने के बाद आपके पास जो इंटरनल, जो मतलब आपके पास अनमिटिगेटेड जो लेवल्स पड़े हुए थे, उनमें से ये एक लेवल था। तो जब प्राइस यहाँ पर गई, देखें, ये हर दफा नहीं होगा कि आपने जो लेवल्स निकाले वहां से आपको कोई बेहतरीन क्वालिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड सारी जिंदगी डाउन ट्रेंड में रहने के लिए नहीं बनता, या एक अप ट्रेंड सारी जिंदगी अप ट्रेंड में रहने के लिए नहीं बनता। ट्रेंड्स
जो हैं वो बनते भी हैं और ब्रेक होके रिवर्स भी हुआ करते हैं ना। तो आपको यहाँ से जो पीछे आपने बेहतरीन दो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ली, यहाँ से यहाँ तक का एक अच्छा मूव कैश किया, यहाँ से यहाँ तक का एक अच्छा मूव आपने कैश किया, यहाँ पर जब आपके अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो पे प्राइस आती है तो आपको यहाँ पर वो एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देती। इट इज व्हाट इट इज यार, ये होता है, प्राइस में लॉस भी होगा आपको। और इवेंचुअली प्राइस ने क्या किया, जो आपका प्रीवियस लोअर हाई था उसको प्राइस ने यहाँ पर स्वीप किया। जब प्राइस स्वीप करती है तो आपको पता है कि हमारा वही लोअर हाई जो है वो हमारे लिए एक्सटेंड हो जाता है। जब एक्सटेंड हुआ तो प्राइस ने यहाँ पर भी इसको एक्सटेंड किया, फिर यहाँ पर जाके इवेंचुअली प्राइस ने इसको नया हाई बना दिया। नया हाई जब प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दे दी, अब यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है कि इस हाई को भी यहाँ पर प्राइस स्वीप कर रही है, और इस हाई को प्राइस यहाँ पर स्वीप कर रही है। अब आपकी रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, इस लो से लेके इस हाई के दरमियान दरमियान आपने अपने लिए इंड्यूसमेंट तो निकाल ली, जो कि आपके लिए इंड्यूसमेंट यहाँ पर थी, ठीक है। प्राइस ने आपकी ये इंड्यूसमेंट ली और नया हाई बनाया। अब क्या हुआ, मैंने आपको कुछ समझाना था यहाँ पर, क्या हुआ जब प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले ली आपकी तो आपका हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। अब प्राइस जब नया हाई ब्रेक करेगी तो हम इसको जो लोएस्ट लो है उसको हम अपना लो कंसीडर कर लेंगे। अभी हमारा लो कोई भी नहीं है, ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल है। इस इंड्यूसमेंट से नीचे जाकर आप देखेंगे कि आपके पास कौन से अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक्स या ऑर्डर फ्लोज पड़े हुए हैं। लाइक हमारे पास ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, ठीक है, ये पूरा ऑर्डर फ्लो है जो अनमिटिगेटेड है। आप यहां तक भी प्राइस के आने का इंतजार कर सकते हैं, इसके अंदर जब प्राइस आएगी तो आपको कोई ना कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इंड्यूसमेंट से नीचे करीब तरीन आपके पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर पड़ा हुआ है, उस ऑर्डर ब्लॉक को ऑलरेडी प्राइस रिस्पेक्ट दे के ऊपर चली गई तो ये मिटिगेटेड हो गया। अब आपके पास सिर्फ यही एक एरिया 0.3619 से लेके 0.3672 डॉलर्स के दरमियान दरमियान कार्डानो में यहाँ पर प्राइस आएगी और आ सकती है, क्योंकि प्राइस ने अभी अभी अपना हाई भी स्वीप किया है। तो प्राइस ने अपना हाई भी स्वीप किया है, इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोजिंग भी दी है, तो देयर आर ब्राइट चांसेस के प्राइस इस लेवल तक लाजमी आएगी और यहां से आपको कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी देगी। तो देखें, आपने देखा कि प्राइस जो है वो एसएमसी स्ट्रक्चर को, एसएमसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को बिल्कुल इंपॉर्टेंस देती है, इवन इन क्रिप्टो एज वेल। तो ये कहना कि क्रिप्टो की जो नेचर है वो ज्यादातर फंडामेंटल नेचर है तो वहां पर टेक्निकल्स काम नहीं करते, ऐसा बिल्कुल गलत है। तो बस अच्छे से आपको चीज़ों को समझने की जरूरत है, उन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उम्मीद है अब आपके जहन से ये ख्याल खत्म हो गया होगा कि एसएमसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में काम नहीं करती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए मजीद अच्छे बेहतर लर्निंग कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।